morning students, I hope that you all are fine and you have purchased your books for regular classes. Okay, today we will study the first chapter of EVS, an extended family. इस क्लास से पहले भी आपको प्रीवियस डे आपको इसके बारे में बताया था. एन एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है? एक्सटेंडेड विस्तृत, एक विस्तृत परिवार क्या होता है? फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट ए फैमिली. व्हाट इज ए फैमिली? ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड बाय लव एंड किनशिप. एक परिवार वो लोगों का ग्रुप होता है जो कि प्रेम से आपस में बंधे हुए होते हैं और ब्लड रिलेशन से आपस में बंधे हुए होते हैं. इट इज़ द फर्स्ट स्कूल. फैमिली किसी भी बच्चे का पहला विद्यालय होता है. एंड मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, और उसकी मम्मी पहला उसका अध्यापक होता है. ए चाइल्ड लर्न्स मैनी थिंग्स इन द फैमिली बिफोर ही एंटर्स द स्कूल. एक बच्चा स्कूल में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार में ही सीखता है. व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, बॉर्न पैदा होना, ही इज़ वेरी स्मॉल. जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है. एंड इज़ नॉट एबल टू डू एनी थिंग ऑन हिज ओन, और कुछ भी अपने से नहीं कर पाता, कुछ भी अपने से करने योग्य नहीं होता है. ही लर्न्स, वह सीखता है, डिफरेंट थिंग्स टू बी डन इन द फैमिली. विभिन्न प्रकार की चीज़ें परिवार में ही वो करना सीखता है. ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही ग्रोज, वो बढ़ता है. एंड लर्न्स, और सीखता है, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखता है. लाइक, क्या क्या चीज़ें सीखता है? हाउ टू वॉक, कैसे चलना है, टॉक, बात करना है. एंड हाउ टू बिहेव, और कैसे बिहेव करना है. एज ही ग्रोज फर्दर, जैसे ही वो आगे बढ़ता है, ही ऑल्सो लर्न्स मैनी अदर थिंग्स, वो और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें सीखता है. फैमिलीज नाउ एंड देन. नाउ, अब, देन, उस समय. परिवार अब और तब. परिवार आजकल और पहले के समय में परिवार कैसे हुआ करते थे. फैमिलीज नाउ, आज का परिवार कैसा होता है? यू सी दैट, यू हैव नोटेड दैट, नाउ डेज मोस्टली द फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिलीज विद थ्री और फोर मेंबर्स. आजकल परिवार क्या होते हैं? एकल परिवार होते हैं, दो या तीन मेंबर्स जिनमें होते हैं. इन मोस्ट न्यूक्लियर फैमिलीज बोथ द पेरेंट्स गो टू वर्क. दोनों ही माता पिता व्यवसाय के लिए, काम के लिए बाहर जाते हैं. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कस ऑल प्रॉब्लम्स एंड टेक डिसीजन जॉइंटली. क्या होता है एकल परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली में, हर मुद्दे पर, हर समस्या पर दोनों पति पत्नी आपस में निर्णय लेते हैं और एक निर्णय पर पहुंचते हैं. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वली. जॉइंट फैमिली में लड़के और लड़कियों को एक समान व्यवहार किया जाता है. दे आर गिवन द सेम फैसिलिटीज. लड़के और लड़की को समान सुविधाएं दी जाती है. कंफर्ट्स, ऐसो आराम की चीज़ें दी जाती हैं. बोथ आर गिवन गुड एजुकेशन. लड़के और लड़की दोनों को ही अच्छी शिक्षा दी जाती है. दे आर ऑल्सो फ्री टू चूज वाट एवर ऑक्यूपेशन दे लाइक. न्यूक्लियर फैमिली में लड़का और लड़की दोनों स्वतंत्र होते हैं कोई भी अपना व्यवसाय चुनने के लिए. यानी ये तो हुआ हमारा न्यूक्लियर फैमिली. आज के समय में परिवार कैसा होता है? मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, उनमें जनरली तीन या चार मेंबर्स ही होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिलीज देन. परिवार उस समय कैसा हुआ, कैसे हुआ करते थे, यानी प्राचीन काल में. फैमिलीज देन, देन बिफोर, देन तब,
उस समय परिवार कैसे हुआ करते थे प्राचीन समय में, उस समय प्राचीन समय से यहाँ मतलब है, इन अर्लियर डेज, पहले के समय में, प्राचीन दिनों में, मोस्ट फैमिलीज वर ज्वाइंट फैमिलीज, ज़्यादातर परिवार संयुक्त परिवार होते थे। द फैमिली कंसिस्टेड ऑफ मैनी मेम्बर्स, परिवार कई सदस्यों से बना हुआ होता था। द एल्डेस्ट मेल मेम्बर वाज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का सबसे मेल मेम्बर जो पुरुष सदस्य होता था, सबसे बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा बड़ा, यानी सबसे बुजुर्ग जो पुरुष सदस्य होता था उस परिवार का, वो उस परिवार का हेड समझा जाता था। ही टुक डिसीजंस ऑल ऑन ऑल इम्पोर्टेंट फैमिली मैटर्स, परिवार के सभी मुद्दों का निर्णय वो जो एल्डेस्ट पर्सन होता था वो लेता था। मैन वेंट आउट टू वर्क, पुरुष क्या करते थे, काम के लिए बाहर जाते थे। वुमन स्टेड एट होम डूइंग कुकिंग एंड क्लीनिंग, घर में जो औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, वो घर में रहती थी और घर का काम करती थी, जैसे कि खाना बनाना है, साफ सफाई करना है। बॉयज वर कंसिडर्ड सुपीरियर दैन द गर्ल्स इन द फैमिली, प्राचीन समय में, पहले के समय में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा अच्छा समझा जाता था, सुपीरियर, बेटर समझा जाता था। बॉयज वर गिवन एजुकेशन, केवल लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी। गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड डू हाउस होल्ड वर्क्स, लड़कियों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सीखें और घर का काम करें, यानी घर का काम सीखें और घर का काम ही करें, ये माना जाता था। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली वैल्यूज, पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, परिवार के क्या मूल्य होते हैं, क्या आदर्श होते हैं। यस, इस तरह से हमने देखा कि फैमिलीज देन, उस समय में, इन अर्लियर डेज में, पहले के समय में परिवार जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे जनरली, और उनमें परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता था, वो परिवार का मुखिया होता था, वो ही सारे डिसीजन लेता था। मैन जो है वो काम के लिए बाहर जाते थे, पुरुष लोग, और स्त्रियां, घर की जो स्त्रियां हैं वो घर पे रहती थी, खाना बनाना, घर साफ करना, वो उनका काम होता था। बच्चों को जो है, लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता था, अच्छा समझा जाता था, सर्वोत्तम समझा जाता था, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती थी, और गर्ल्स को घर का काम करना, घर का काम सीखना, यही उनसे उम्मीद की जाती थी। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली वैल्यूज, पारिवारिक मूल्य, वैल्यूज मूल्य होता है। फैमिली वैल्यूज रिफ्लेक्ट ए चाइल्ड पर्सनैलिटी, पारिवारिक जो मूल्य होते हैं एक बच्चे के चरित्र को दर्शाते हैं, उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, रिफ्लेक्ट, शो करना, दिखाना, तो पारिवारिक मूल्य एक बच्चे के व्यक्तित्व को दिखाते हैं। इन द फैमिली ए चाइल्ड नॉट ओनली लर्न्स टू ईट, स्पीक, वॉक एंड राइट, एक परिवार में बच्चा केवल खाना, बोलना, चलना और लिखना ही नहीं सीखता है, बट ऑल्सो सम अदर गुड थिंग्स, जबकि इसके अलावा कुछ अच्छी बातें भी वो सीखता है। दैट हेल्प हिम टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो वैल्यू जो अपने परिवार में वो सीखता है, उनकी वजह से वो देश का एक अच्छा नागरिक बनने में वो वैल्यूज़, वो मूल्य उनकी सहायता करते हैं। तो बच्चा क्या करता है, परिवार में जो अच्छी आदतें सीखता है, अच्छे मूल्य सीखता है, अच्छे गुण सीखता है, उनसे वो भविष्य में जाकर देश का एक अच्छा नागरिक बन जाता है। तो ये सारी वैल्यूज हैं, सारे जो गुण हैं, वो बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से ही सीखता है। Different families have different family values.
विभिन्न प्रकार के जो परिवार हैं, विभिन्न परिवार विभिन्न प्रकार के पारिवारिक मूल्य रखते हैं, तो अलग अलग परिवारों के अलग अलग पारिवारिक मूल्य होते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा आज की क्लास में फैमिलीज़ नाउ, व्हाट इज़ ए फैमिली, परिवार क्या होता है। फैमिलीज़ नाउ वर्तमान समय का परिवार, आपने देखा वर्तमान समय में न्यूक्लियर परिवार होते हैं, एकल परिवार होते हैं। फैमिलीज़ देन अर्लियर डेज में परिवार कैसे होते थे, मोस्टली जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा फैमिली वैल्यूज, पारिवारिक मूल्य। तो ये तीन पॉइंट हैं, आपको इनको वापस से अच्छे से इनकी रीडिंग करनी है, इनको समझना है और उनके आंसर्स देने की भी कोशिश करनी है। ओके, हैव ए नाइस डे।